हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये वीडियो जो है किसी के लिए गुड न्यूज़ और किसी के लिए बैड न्यूज़ होने वाला है। जी हाँ, गुड न्यूज़ मतलब गुड न्यूज़ उसके लिए है रिटेलर्स वगैरह के जो शॉपिंग करते हैं, और बैड न्यूज़ है कंज्यूमर्स के लिए। कैसे है तो चलिए आइए, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे आपको पता होगा कि अभी लेटेस्ट ही गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लाया है ऑनलाइन वेबसाइट जो फ्लिपकार्ट है। अभी वॉलमार्ट ने उसको खरीद लिया, फिर भी नाम तो फ्लिपकार्ट ही है। फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजोन हो गया, इन पे जो भी सामान वो बेचते थे उसको अब रेगुलेट किया गया है। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर जो एसोसिएशन थे उन्होंने कंप्लेन किया गवर्नमेंट को कि ये लोग अपने खुद के, जहाँ पे सब्सिडरी होती है, जहाँ पे इनके खुद के पैसे लगे होते हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट को ये प्रमोट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स में बेच देते हैं। और सेम वही प्रोडक्ट अगर रिटेलर बेचना चाहे तो उतने डिस्काउंट पे ये नहीं बेच पाता है। और क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं चलिए आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों बेसिकली इसमें दो तीन चेंजेस आई हैं। दो तीन चेंजेस में मैं सबसे पहला चेंजेस आपको ये बता दूँ। जैसे अमेजोन जो है उसका क्लाउड टेल एक कंपनी है, उसमें उनकी सब्सिडरी है, उसमें वो पैसा लगाते हैं, सिस्टर कंसर्न कंपनी भी आप बोल सकते हैं। और क्लाउड टेल की अगर आप देखोगे तो हमेशा उसके पैसे जो होते हैं, जो प्राइसिंग होती है उनके प्रोडक्ट की, बाकी सारे रिटेलर और जो रीसेलर होते हैं वो अमेजोन के वेबसाइट पे या अमेजोन के ऐप में भी उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। क्लाउड टेल क्योंकि उनकी सब्सिडरी कंपनी है, वो होल सेल में माल उठाते हैं और ज़्यादा उठाने की वजह से उनको सस्ते में मिलता है और सस्ते में ही फिर यहाँ पे बेच देते थे। और अमेजोन भी उनको ही प्रमोट करता था हमेशा। आप कभी भी देखोगे क्लाउड टेल को सबसे पहले वो प्रमोट करता था अमेजोन एक्सक्लूसिव करके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का भी एक WS करके है, वहाँ से भी वो इस तरह से ही करते थे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जैसे देखिए अगर आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों अपने अपने अलग अलग तरीके से सेलफोन्स की एक्सक्लूसिव बिक्री करते थे। एक्सक्लूसिव इन सेंस कि वो जो सेलफोन है वो सिर्फ उनके ही वेबसाइट पर आएगी, दूसरे वेबसाइट पर आएगी ही नहीं, ना कोई और ऑनलाइन बेच पाएगा और ना ही कोई ऑफलाइन बेच पाएगा। इसमें ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन तो कोई बेच ही नहीं पाता था वो सारे फोन। जैसे MI के मैक्सिमम फोन आप देखते होंगे, फ्लिपकार्ट पर्टिकुलरली बताता है कि अगले वेडनेसडे को इतने से इतने बजे का लॉन्च होने वाला आता है, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, अगर किसी को बाहर से खरीदना हो तो वो खरीद भी नहीं पाता है। तो इस तरीके के जो डील्स थी एक्सक्लूसिव डील्स, उस पर कंप्लीटली रोक लगा दिया गया है। मान लीजिए अगर फ्लिपकार्ट किसी MI के प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो वो सिर्फ उसमें से 25% ही बेच पाएगा, बाकी का 75% अगर MI को बेचना है तो उसको अमेजोन पर जाना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी उन लोगों को देना पड़ेगा। ऑनलाइन वो नहीं बेच पाएगा 25% से ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म पे। सिमिलरली ये सारी चीज़ें अमेजोन पे भी लागू हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये है कि जो रिटेलर्स है उनके पास भी उस तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे। एक्सक्लूसिव जो बता रहे हैं अमेजोन और ये मैं एक्सक्लूसिव डील दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वो वहाँ मिलेगा, इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा। और प्लस सबसे बड़ी बात ये है, गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है, ताकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे ज़्यादा से ज़्यादा नए सेलर्स को इंक्लूड करें। क्योंकि अभी तक जो पहले के सेलर्स थे, जो इनके खुद के सब्सिडरी कंपनीज थी, वही ज़्यादा दिखते थे। अब ये होने के बाद क्या होगा, जो लोकल जो सेलर्स हैं वो भी वहाँ पर जुड़ पाएंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन से, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बेच पाएंगे। नुकसान किसका होगा, कस्टमर्स का। क्यों, क्योंकि जब मैं 100 प्रोडक्ट खरीदता था 50 पैसे की मेरी बचत थी, तो सिंपल सी बात है 100 प्रोडक्ट पे 50 पैसे की बचत मतलब कितना हो गया, 50 रुपये की बचत हो गई मेरे पास। लेकिन अब जब मैं वो 25 प्रोडक्ट ही बेच पाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 12.5 रुपया। अब 12.5 रुपये ही तो मैं आपको डिस्काउंट दे पाऊंगा ना, उसके हिसाब से पहले मैं 50 रुपये तक डिस्काउंट दे पाता था, बट अब सिर्फ 12.5 रुपये दे पाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप कस्टमर्स का थोड़ा नुकसान होगा कि एक्सक्लूसिव डील्स और जो 70%, 80%, 90% जो है वो मिलता था ऑफ़र, वो नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, धरने की बात अभी फ़िलहाल नहीं है, ये 1 फरवरी से लागू होने वाला है, अभी नहीं, तो अभी भी 1 महीने का टाइम है। जितना चाहे अमेजोन और फ्लिपकार्ट शॉपिंग आप कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेरा अगला वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से ही सिमिलरली जो भी कंज्यूमर के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी चेंजेस आती है, उस तरह के वीडियोस बना के अपलोड करूँ, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डेफिनेटली एक बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।